एंड वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज उमर फारूकी एंड आई एम फ्रॉम सोशल कोडिया। सो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हमारी सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग लॉगिन एंड रजिस्टर की यूआई को डिजाइन करेंगे एंड देन लॉगिन और रजिस्टर की एपीआई को कॉल करेंगे। सो अगर अभी तक आपने लॉगिन एंड रजिस्टर की एपीआई की वीडियो अभी तक देखी नहीं, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया रेस्टफुल एपीआई और वेब एप्लीकेशन पे हमारी सेकंड वीडियो। और पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने इसके एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली प्रिपेयर किया था। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। index.php। सो फ्रेंड्स, इस पेज को हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में क्रिएट किया था और यहाँ पे हम लोग मेटेरियलाइज CSS फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं। सो लॉगिन पेज हमारा कुछ इस तरह से होगा, लाइक हम लोग यहाँ पे एक कार्ड क्रिएट करेंगे और कार्ड के अंदर एक तरफ हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ हम लोग इमेज लोगो वगैरह यूज करेंगे और इसके राइट हैंड साइड पे हमारा फॉर्म रहेगा, जिसपे क्लिक करने पे हम एपीआई को कॉल करेंगे। तो चलते हैं, अब लॉगिन पेज को डिजाइन करते हैं। तो सिंपली मैं इसको कार्ड देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव यूज करता हूँ, सो क्लास देता हूँ रो का, डिविजन क्लोज करता हूँ एंड देन डिव क्लास कॉल s12 m6 offset m6 एंड लार्ज साइज पे भी मैं 6 कॉलम लेता हूँ एंड उसको भी ऑफसेट कर देता हूँ l3 से, और यहाँ पे m6 नहीं m3 यूज़ करता हूँ। मीन्स हम यहाँ पे मीडियम स्क्रीन पे 6 कॉलम यूज करेंगे एंड ऑफसेट मीन्स हम बहुत लेफ्ट एंड राइट साइड से पैडिंग लेंगे, जो कि 3 कॉलम्स की पैडिंग होगी। और यहाँ पे भी सेम वही फंडामेंटल है लार्ज स्क्रीन पे भी। तो अब चलते हैं, यहाँ पे हम एक कार्ड बनाते हैं, div क्लास एंड कार्ड क्लास यूज करता हूँ यहाँ पे, डिविजन क्लास कार्ड कंटेन डिविजन क्लास रो डिविजन क्लास कॉल s12 m6 l6 एंड सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। लाइक अभी हम अपने कार्ड में पार्टीशन कर रहे हैं। ओके, ये हमारा कार्ड ऐसे सेंटर में आ जाएगा और यहाँ पे हम पार्टीशन करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, इमेज यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म को बिल्ड करेंगे। तो सिंपली मैं इस कॉलम में इलस्ट्रेशन वगैरह यूज़ करूँगा और इस कॉलम में मैं फॉर्म की डिज़ाइन करूँगा। तो फॉर्म की डिज़ाइन करने के लिए मैं डिविज़न एंड देन यूज़ करता हूँ क्लास इनपुट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट नेम इसका मैं ईमेल ले लेता हूँ, आईडी ईमेल, लेबल ले लेता हूँ फॉर ईमेल इंटर ईमेल। मैं जाके इसको व्यू करता हूँ तो सिंपली हमारा कुछ इस तरह से भी डिज़ाइन बन रहा है, जो कि हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक आइकॉन का, आई क्लास मटेरियल आइकॉन्स, और वो हमारा आइकॉन होगा ईमेल का। रिफ्रेश करते प्रीफिक्स की क्लास यूज़ करूँगा तो ये मेरा प्रीफिक्स हो जाएगा। एंड सिंपली मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ रेड टेक्स्ट का, या रेड सिंपली रेड नहीं रेड टेक्स्ट। तो ये रेड में हो चुका है हमारा। एंड देन सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम मैं चेंज करके पासवर्ड लिख देता हूँ एंड इसका जो टाइप इनपुट टाइप होगा वही पासवर्ड में कर देता हूँ एंड यहाँ पे इंटर पासवर्ड एंड ईमेल की जगह लॉग। ओके, एंड देन हम लोग एक बटन बनाएंगे, जो कि बटन भी हमारे इनपुट फील्ड में ही आएगी। लॉग इन, इसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा एंड इस पर जो वैल्यू रहेगी वो लॉग इन रहेगी, लॉग इन। और इसको हम क्लास देते हैं btn की, और ये हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म हो गया है। तो अभी हम चलते हैं इस सारे कोड को एक फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म एंड देन पेस्ट। इसका मेथड मैं लूँगा पोस्ट एंड एक्शन, एक्शन सेम पेज पे रहेगा तो मैं एक्शन यूज़ नहीं करता हूँ। और यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं लाइक इनपुट फील्ड के नीचे और एंकर टैग यूज़ करते हैं, एंकर एंड इसको क्लोज कर दे, href पे register.php, और यहाँ पे क्या टेक्स्ट था, सॉरी register.php नहीं forgot.php एंड यहाँ पे forgot
पासवर्ड, इसको हम लोग क्लास देते हैं ब्लू टेक्स्ट एंड इसको राइट हैंड साइड में देते हैं ओके बटन के नीचे एंकर टैग यूज़ करता हूँ, लाइक प्रीव्यू का टैग यूज़ करता हूँ पहले। डोंट हैव एन अकाउंट और यहाँ पे मैं एंकर टैग का यूज़ करता हूँ HREF रजिस्टर्ड PHP रजिस्टर्ड। तो हमारे कुछ इस तरह से हो गया एंड इंस्टेड ऑफ प्रीव्यू टैग मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्पैन टैग का। अभी हम चलते हैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं लॉगिन का। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कोई भी लाइक H5 यूज़ करता हूँ और लॉगिन लिखता हूँ मैसेज। हमारा कुछ इस तरह से हो गया, मैं यूज़ करता हूँ H3 और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल को क्रिएट करता हूँ जिसमें अपनी CSS फाइल लिखूँगा। तो सिंपल सा मैं इसको नाम दे देता हूँ style.css एंड देन इस पेज को हम यहाँ से लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए मैं सिंपली इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम चेंज करके style.css लिख देता हूँ। तो इस फाइल को भी हम लोग अटैच कर चुके हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं लाइक बोल्ड एंड ये मेरी क्लास होगी फॉन्ट वेट बोल्ड ओके। तो इसको मैं क्लास देता हूँ बोल्ड करके जो कि मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा बोल्ड नहीं हुआ है, मे बी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी style.css एंड रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा फॉन्ट भी यहाँ पे बोल्ड हो चुका है बट इसका जो बोल्ड है वो छोटा है। आई थिंक यहाँ पे मैं H5 ही यूज़ करता हूँ H5 एंड देन रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड देन सिंपली मैं चलता हूँ अपने कोड पे और यहाँ पे मैं एक प्रीव्यू टैग यूज़ करता हूँ लॉगिन टू कंटिन्यू अकाउंट टू कंटिन्यू। मैं चलता हूँ उसको व्यू करता हूँ। तो मेरी कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो चुकी है और मैं इसके भी बैकग्राउंड कलर को रेड कर देता हूँ एंड बटन पे चलते हैं और इसको क्लास देते हैं रेड। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी रेड आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ लॉग इन BDN करके एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड लॉग इन BDN को सेलेक्ट करता हूँ एंड सिंपली बॉर्डर रेडियस इसका मैं दे देता हूँ 15px एंड इसकी हाइट 60px एंड इसका मैं विड्थ दे देता हूँ विड्थ 50% एंड देन हाइट कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है तो मैं इसको 40 कर देता हूँ, 40 भी नहीं 50 कर देता हूँ एंड यहाँ पे मार्जिन में टॉप देता हूँ टॉप 60px बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 40 करता हूँ। तो ये कुछ मेरा परफेक्ट हो गया। डोंट हैव अकाउंट को भी मैं सेंटर करता हूँ तो सेंटर करने के लिए मैं काम करता हूँ इसको मैं कट करता हूँ और इसको मैं एक डिवीज़न में डालता हूँ, डिवीज़न क्लोज करता हूँ। यहाँ पे स्पैम टैग होगा और इसको मैं क्लास दे देता हूँ सेंटर का एंड रिफ्रेश करूँगा तो ये भी सेंटर में हो जाएगा। लाइक मेरी कुछ डिज़ाइन ऐसी हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दे। तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल कोई भी कलर ले लेता हूँ लाइक क्लास ग्रे टेक्स्ट एंड देन सेव करता हूँ। ये भी कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ इमेजेस यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस को गूगल से ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं इसके लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ मैं इस कोड को अपने GitHub पे पुश कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर सारी इमेजेस और डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड किया हूँ तो मैं सारी इमेज को कॉपी करता हूँ लाइक यहाँ तक मैं इमेज कॉपी करता हूँ एंड मैं अपने सी फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है। ये मेरा सी के अंदर है, सी जैम्प एंड STDocs एंड वेब के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ लाइक SRC नाम से और SRC फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज एंड देन इसके अंदर मैं सारी इमेज को पेस्ट कर दूंगा। तो अभी हम चलते हैं अपने इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन यूज करेंगे लाइक मेरी कुछ डिजाइन ऐसी होगी, सोशल कोरिया मेरा लोगो रहे कंपनी का और देन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रहेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिवीजन लेता हूँ एंड डिवीजन के अंदर मैं इमेज यूज करूंगा लाइक इमेज का टैग इमेज SRC एंड देन इमेज एंड देन लोगो .png एंड इसको मैं क्लास दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव इमेज की IMG एंड देन यहाँ पे एक alt tag यूज़ करता हूँ सोशल कोडिया एंड अभी चलता हूँ मैं इस पेज को व्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कुछ इस तरह से है और इसकी जो साइज़ रहेगी विड्थ रहेगी मैं उसको 50 दे देता हूँ, 50 बहुत ही छोटा हो गया। इसको मैं करता हूँ 160 तो कुछ परफेक्ट लग रहा है। अभी मैं इस डिवीज़न पे क्लास देता हूँ सेंटर का
देने मेरा आइटम सेंटर में हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए एक इमेज यूज़ करता हूँ, तो सिंपली मैं बॉडी के अंदर क्लास यूज़ करूँगा या मैं स्टाइल लिख देता हूँ और बैकग्राउंड इमेज का टैग यूज़ करता हूँ। एंड यूआरएल के अंदर मैं पास कर देता हूँ मेरी इमेज कौन सी थी, एसआरसी इमेज बीजी, बीजी टू को यूज़ करता हूँ, एसआरसी इमेज बीजी टू डॉट पीएनजी, सॉरी बीजी टू डॉट जेपीजी। तो हमारी बैकग्राउंड इमेज भी आ गई। और सेकेंड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लाइक बैकग्राउंड साइज़ एंड इसको मैं कवर दे देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी इमेज भी मुझे मिल चुकी है। सो अभी हम चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रीव्यू टैग का और पी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिंपल कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन यूज़ करूँगा जो कि मेरे इलस्ट्रेशन का नाम है लॉगिन डॉट svg, और इसकी हाइट को मैं 200 कर देता हूँ, विथ को, एंड यहाँ पे मैं व्यू करता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे इसको कुछ पैडिंग भी दे देते हैं जो कि थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, और ये जो है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे बोल्ड क्लास यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ क्लास प्रीव्यू को बोल्ड, तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। सो अभी मैं काम करता हूँ, इसको मैं पैडिंग देता हूँ, लाइक पैडिंग के लिए मैं यहाँ पे पैडिंग 20px देता हूँ, p10 क्लास को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे 10 नहीं 20 में लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पैडिंग 20px एंड सिंपल सा मैं इसको क्लास पास कर देता हूँ लाइक यहाँ पे p20 एंड पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे पैडिंग मिल चुकी है। और साथ ही साथ मैं इसको भी पैडिंग दे देता हूँ लाइक यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ p20, और इसको भी 20px मिल चुकी है। नहीं अभी 20px नहीं मिली है, तो मैं भी मैं एक काम करता हूँ और इस फॉर्म को मैं कट करता हूँ और यहाँ h5 तक इसको मैं अलग डिवीज़न में डालता हूँ डिवीज़न एंड देन इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसके अंदर मैं सारा कोड पेस्ट करता हूँ एंड इसको मैं क्लास देता हूँ p20 का और इसको मैं कट कर देता हूँ। तो सिंपल सा इसको भी पैडिंग मिल चुकी है और यहाँ से भी पैडिंग मिल चुकी है। अब मुझे पैडिंग देना है इमेज पे, तो मैं चलता हूँ इमेज पे एंड इमेज पे मैं पैडिंग 20 यहाँ पे यूज़ करता हूँ लाइक एक क्लास देता हूँ p20 एंड देन इसको भी 20px, सॉरी ये वाली इमेज को नहीं, और मैं इस वाली इमेज को देता हूँ p20 एंड रिफ्रेश करूँगा, इसको भी 20px की पैडिंग मिल चुकी है। और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को मैं चेंज करके 250 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कुछ बड़ा दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं लोगों को थोड़ा छोटा करते हैं, लेकिन मैं इसको देता हूँ 120 विड्थ, तो मेरा कुछ इस तरह से हो गया है। और मैं थोड़ा इसकी साइज़ को बड़ा कर देता हूँ लाइक 220 कर देता हूँ एंड ये थोड़ा कुछ बड़ा हो गया है। अब मैं चलता हूँ इसको मार्जिन देता हूँ टॉप से, मार्जिन 150, मार्जिन टॉप 150px, तो यहाँ पे एम्प्टी लिख देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रो के अंदर मार्जिन टॉप 150 एंड पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे टॉप से 150 की मार्जिन भी मिल चुकी है एंड मे बी ये फिक्स हो चुका होगा, नहीं तो मैं इसको काम करता हूँ 140 की देता हूँ एंड यहाँ पे क्लास चेंज कर देता हूँ टू 140 एंड रिफ्रेश करूँगा, तो अभी मुझे कुछ परफेक्ट दिख रहा है। अभी यहाँ पे हमको बॉर्डर रेडियस देना है, तो बॉर्डर रेडियस देने के लिए मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ लाइक br एंड यहाँ पे 20px मीन्स 20px का मैं बॉर्डर दूंगा। तो सिंपल से मैं बॉर्डर रेडियस 20px यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं बॉर्डर रेडियस 20px पास कर देता हूँ लाइक हमारे कार्ड में बॉर्डर रेडियस 20 एंड देन मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे बॉर्डर रेडियस भी मिल चुका है। सो फ्रेंड्स मेरा ये कंप्लीट फॉर्म बिल्ड हो चुका है एंड रजिस्टर्ड पे मैं काम करता हूँ थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड के लिए मैं इस क्लास देता हूँ इसको क्लास बोल्ड का, तो ये भी बोल्ड हो चुका है एंड लॉगिन बटन का जो हमारा विड्थ है उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको 40 कर देता हूँ एंड देन मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और भी लाइक सिमिलर हमारा जो हमने डिज़ाइन दिखाई थी सेम टू सेम हो चुका है। सो अभी हम चलते हैं रजिस्टर पेज को बिल्ड करते हैं। तो रजिस्टर पेज को बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ register.php एंड सेव कर देता हूँ। अभी मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरा रजिस्टर पेज पे आ गया और इसका मुझे नाम चेंज करना है। नाम चेंज करके मैं यहाँ पे रजिस्टर लिख देता हूँ रजिस्टर और यहाँ पे मैं मैसेज भी चेंज कर देता हूँ रजिस्टर एंड अकाउंट टू कंटिन्यू एंड सिंपल सा इंटर ईमेल इंटर पासवर्ड एंड यहाँ पे मैं नेम भी लेता हूँ। तो अभी हम चलते हैं इसका नेम चेंज करते हैं। नेम को मैं नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं टैग यूज़ करता हूँ नेम, और आइकॉन के लिए मैं यूज़ करता हूँ पर्सन, ईमेल के लिए मैं ईमेल का टाइप यूज़ करता हूँ लाइक जो हमारा इनपुट फील्ड रहेगा वो ईमेल टाइप करेगा एंड लॉगिन बटन लॉगिन को मैं चेंज कर रजिस्टर लिख देता हूँ रजिस्टर एंड इसको भी रजिस्टर एंड देन यहाँ पे
लॉग इन और मैसेज को मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट एंड इसको मैं भेज दूंगा login.php पे। एंड ये फॉरगेट पासवर्ड को मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड मुझे कोई काम नहीं है। एंड देन अभी मैं चलता हूँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा कुछ इस तरह से है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं पैडिंग हटा देता हूँ जो मार्जिन मैंने दिया था बटन पे। लॉगिन बटन को मैं चेंज करके यहाँ पे स्टाइल कॉपी एंड पेस्ट इसका नाम मैं चेंज करके रजिस्टर बटन लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप हटा देता हूँ और सिंपल से इस क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस क्लास नेम को पेस्ट करता हूँ। ओके तो अभी मेरा फॉर्म कंप्लीट बिल्ड हो चुका है। अभी मैं काम करता हूँ यहाँ पे जो मार्जिन टॉप है, यहाँ पे हम लोगों ने कार्ड पे यूज़ किए मार्जिन टॉप 140, तो इसको मैं 130 कर देता हूँ और सिंपल सा इसकी CSS भी डिफाइन कर देता हूँ 140 को 130 एंड पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मेरा सेंटर में भी हो चुका है। एंड रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पे मैं रजिस्टर की API को कॉल करूँगा। यहाँ पे यूज़र अपना नेम, ईमेल एंड पासवर्ड लेकर रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो सिंपल सा वो एक अकाउंट हम लोग सर्वर पे क्रिएट करेंगे। सो मेरा ये फॉर्म कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं रजिस्टर पेज पे और यहाँ पे जो लॉगिन हम लोग लिखे थे इसको मैं इंडेक्स कर देता हूँ क्योंकि लॉगिन पेज नाम से हमारा कोई भी पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो गाइज लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन फॉर्म आ रहा है एंड रजिस्टर पे क्लिक करने पे हमारा रजिस्टर फॉर्म ओपन हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने API को कॉल करने के लिए और कुछ कोड को प्रिपेयर करते हैं। सो ये जो हमारा यहाँ तक कोड है वो हमारे दोनों पेज में रिपीट हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। लाइक फोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ इंक्लूड समथिंग और इंक्लूड फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ और इस कोड को पेस्ट करता हूँ और इस फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ हीडर एंड साथ में outer.php एंड सिंपल सा मैं इस पोर्शन के लिए भी एक फाइल क्रिएट करता हूँ एंड इंक्लूड में एक फाइल रहेगी, इसको सेव करता हूँ और footer outer.php एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। एंड सिंपली यहाँ पे हम PHP का टैग यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं require once फंक्शन का। एंड require once फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम अपने फाइल को अटैच करते हैं। तो ये फाइल लाइक अगर हम लोग 2-3 बार कोड लिखेंगे तो सिंपल सा सिर्फ एक ही बार हमारी फाइल अटैच होगी require once। अगर हम require यूज़ करेंगे और यहाँ पे 3-4 बार कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये हर बार फाइल को अटैच करेगा। require once सिर्फ एक ही बार फाइल को अटैच करेगा। तो सिंपल सा मैं इस फाइल की लोकेशन देता हूँ, लाइक मेरी जो फाइल है वो इंक्लूड फोल्डर के अंदर है और हीडर एंड outer.php नाम से। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी फाइल अटैच हो चुकी है। अब मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और सिंपल सा मैं जाकर अपने रजिस्टर पेज में पेस्ट करता हूँ एंड ये कोड मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और सिंपल सा मैं अपने index.php के फूटर में जाता हूँ और यहाँ पे भी कोड पेस्ट करता हूँ और सिंपल सा इसका नाम चेंज करके मैं फूटर लिख देता हूँ और इसको भी कॉपी करता हूँ, लाइक कॉपी एंड रजिस्टर पेज में भी पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों ने कोड को भी सेपरेट कर दिया है। तो सिंपली अब हम चलते हैं API को कॉल करने के लिए। एंड API को कॉल करने के लिए लाइक जो हम लोग मेथड यहाँ पे डिफाइन करेंगे API कॉल करने के लिए, तो मैं एक सेपरेट फाइल में डिफाइन करूँगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ और इसका नाम मैं सेव करता हूँ api.php नाम से और इसको सेव कर देता हूँ। और सिंपल सा मैं यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ constants.php। ओके और यहाँ पे मैं php टैग यूज़ करता हूँ और सिंपल सा एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डिफाइन और लाइक API URL लाइक मेरे जो भी API का URL है मैं इसको पास करता हूँ, लाइक http://socialcodia.net/api/public/ ओके एंड API फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं PHP का टैग यूज़ करता हूँ एंड PHP को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हम इंडेक्स पेज पे आते हैं और इंडेक्स पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे लाइक जब भी डेटा सेंड होगा, जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म के डेटा को मैं फेच करके एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ जो कि मैं इस पेज पे एक फंक्शन बनाऊंगा। इस पेज को मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमारी API को कॉल करेगा। ओके तो सिंपल सा मैं यहाँ पे PHP टैग यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, लाइक इफ इज सेट $_post। अगर हमारे पोस्ट मेथड पे कौन सी की सेट है, लाइक हमारे लॉगिन बटन का नाम क्या था, नेम लॉगिन था। अगर हमारे पोस्ट मेथड पे ये की सेट है, यहाँ पे ईमेल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और $_post_email। ओके एंड पासवर्ड के लिए भी मैं सेम पासवर्ड। ओके तो अभी हम चलते हैं अपने API पेज के अंदर और API के अंदर मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास का मैं नाम देता हूँ कुछ भी लाइक API और इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लाइक फंक्शन का नाम होगा डू लॉगिन
लॉगिन पे क्लिक करने पे हम लॉगिन की एपीआई को कॉल करेंगे और उसको मैं दो पैरामीटर पास करूंगा। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, डॉलर ईमेल एंड डॉलर पासवर्ड। सिंपली कौन सी एपीआई को कॉल करना है, एपीआई का यूआरएल क्या है, तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कॉसेट डॉट पीएचपी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे रिक्वायर वंस का टैग यूज़ करके मैं इस फाइल को भी यहाँ पे अटैच करता हूँ और इस फाइल का नाम था मेरे constants.php। ओके, तो API को कॉल करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ करूँगा PHP curl का। अगर आपको curl के बारे में पता नहीं कि what is curl, तो मैं इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो सिंपली मेरे लॉगिन API का जो इन पॉइंट था वो हम लोगों ने यूज़ किए थे लॉगिन नाम से। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे इन पॉइंट डिफाइन करता हूँ, इन पॉइंट इज इक्वल टू लॉगिन। तो मेरा URL हो जाएगा API URL.endpoint। तो ये मेरा कंप्लीट URL हो जाएगा। तो अभी मैं इस API को कॉल करूँगा। तो API को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इज इक्वल टू curl init फंक्शन कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं URL पास कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं curl पे curl का सेट ऑप्शन फंक्शन कॉल करता हूँ, सेट OPD, और यहाँ पे $CH को मैं पास करता हूँ। एंड ऑप्शन में मैं curl OPD एंड देन URL और इसके अंदर जो भी मेरा URL था मैं पास कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग जो डेटा सेंड करेंगे वो पोस्ट मेथड से सेंड करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे $CH एंड curl OPD _ पोस्ट इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारी जो फील्ड्स होगी उस फील्ड को भी हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हम डेटा सेंड करेंगे, curl सेट OTP एंड $CH और यहाँ पे curl OPD पोस्ट फील्ड्स में हम लोग क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे ईमेल को एंड पासवर्ड को। तो ईमेल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल लेता हूँ, ईमेल इज इक्वल टू $email। जब भी हम फंक्शन कॉल करें तो ईमेल हम पैरामीटर पास करें वहाँ से, तो उस पैरामीटर को यहाँ पे पास कर देता हूँ। और सिंपली पासवर्ड के लिए पासवर्ड इज इक्वल टू $password और यहाँ पे मैं curl का सेट OTP में $CH एंड curl रिटर्न ट्रांसफर को मैं ट्रू कर देता हूँ। तो रिटर्न ट्रांसफर को मैंने यहाँ पे ट्रू किया है। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो मीन्स जो भी हमको रिस्पांस मिलेगा सर्वर से वो डायरेक्टली हमारे वेब पेजेस पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसका क्या इफेक्ट है मैं ट्रांसफर को ट्रू एंड फॉल्स करके भी दिखा दूंगा आपको। सो सिंपली अब मैं यहाँ पे रिस्पांस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड रिस्पांस वेरिएबल के अंदर मुझे वो डेटा मिलेगा जब मैं curl को एग्जीक्यूट करूँगा। तो curl एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करता हूँ एंड इसके अंदर मैं $CH को पास कर देता हूँ। तो सिंपली अब मैं काम करता हूँ, curl को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड क्लोज करने के लिए आपको curl क्लोज फंक्शन को कॉल करना है और CH को मैं पास कर देता हूँ। सो अभी हमारे पास जो रिस्पांस है वो रिस्पांस JSON इनकोड में है, जो कि हम लोगों ने रिस्पांस को JSON में इनकोड करके सेंड किया था। तो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा JSON डिकोड का यूज़ करके एंड $response। ओके, तो अभी हम चलते हैं सिंपल सा API को कॉल करते हैं। एंड API को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमको API फाइल को अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे रिक्वायर वंस का यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे API.php और सिंपली मैं API का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ API नाम से और न्यू API रिस्पांस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, कुछ भी नाम देता हूँ, लॉगिन रिस्पांस इज इक्वल टू एंड $API का कौन सा मेथड था, डू लॉगिन था। ओके, एंड डू लॉगिन मेथड में यहाँ से कॉल करता हूँ और ये जो भी रिस्पांस हमको रिटर्न करेगा सिंपली मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट आर फंक्शन यूज़ करता हूँ एंड ऑल लॉगिन रिस्पांस आपको दिखाने के लिए कि सर्वर से मुझे क्या रिस्पांस मिल रहा है। तो सिंपली अभी हम चलते हैं अपने वेब पेज पे एंड लॉगिन पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे मुझे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि कॉन्स्टेंट या कॉन्टेंट्स में लिख दिया था, तो सिंपली मैं इसको चेंज करता हूँ एंड constants.php एंड फिर से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉर्म मिल चुका है। एंड अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे रिस्पांस मिल रहा है कि रिक्वायर पैरामीटर ईमेल एंड पासवर्ड इज मिसिंग। एंड मैं यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड पास करता हूँ, सोशल कोरियर एंड पासवर्ड इज सोशल कोरियर। देन यहाँ से मुझे लॉगिन सक्सेस का रिस्पांस मिल चुका है, मीन्स हमारी API सक्सेसफुली कॉल हो रही है। तो अभी हम चलते हैं इस रिस्पांस को भी हैंडल कर दें एंड लॉगिन होने पे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करूँगा यूज़र को। तो सिंपली मैं अपने कोड पे चलता हूँ। सो सिंपली अभी हम इस कोड को रिमूव करते हैं और इसके बाद मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ चेक करने के लिए कि लॉगिन रिस्पांस में जो मेरा एरर है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर मैं लिखता हूँ कि लॉगिन रिस्पांस एरर, मीन्स अगर एरर ट्रू नहीं है तो सिंपली ये मेरा कोड ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज मेरा कोड ब्लॉक चलेगा ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अगर मेरा रिस्पांस में एरर जो है वो ट्रू है, मीन्स हमको कुछ एरर मिले, उसको मैं एरर को एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ मैसेज करके। एंड मैसेज पे मैं यहाँ पे जो भी रिस्पांस लॉगिन के अंदर जो भी मैसेज है
उसको मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, और इस वेरिएबल को मैं फंक्शन के पहले लाइक इफ़ कंडीशन के बाहर भी डिफाइन कर देता हूँ, और मैसेज इज इक्वल टू कुछ भी रहता है लॉगिन एंड एरर ट्रू जब भी रहेगी तो ये इसका मैसेज चेंज जाएगा। तो सिंपली मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे पीएचपी का टैग यूज़ करता हूँ और सिंपल सा इको कर देता हूँ डॉलर मैसेज वेरिएबल को। तो अभी हम चलते हैं अपने कोड पे और मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ रहा है कि रिक्वायर पैरामीटर ईमेल पासवर्ड इज़ मिसिंग। अभी जो मेरे एरर का जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में है, तो मैं एक काम करता हूँ, सो सिंपली अभी हम चलते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लाइक कलर नाम से, और इसकी जो वैल्यू मैं देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ब्लैक टेक्स्ट होगी, एंड अगर एरर ट्रू होता है तो इसकी वैल्यू चेंज होकर रेड टेक्स्ट होगी। ओके एंड सिंपल सा इस क्लास को भी मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ लाइक मेरी ये जो हेडिंग थी इसके अंदर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड क्लास में इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ। एंड सिंपली अगर मैं लाइक पेज को मैं सिंपल सा रिफ्रेश करता हूँ एंड लॉगिन आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल डालता हूँ एंड पासवर्ड रॉन्ग डालता हूँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रेड कलर में मिल रहा है रॉन्ग पासवर्ड। ओके और एरर आप कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं लाइक इसका कोई फंडामेंटल नहीं कि हम लोग यहीं पे भी प्रिंट करें, लाइक मैं इस वेरिएबल का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो सिंपली मैं अभी इस वेरिएबल का यूज़ करूँगा क्योंकि थोड़ा डिज़ाइन ख़राब जा रहा है, और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करके डिफ़ॉल्ट वाले में पेस्ट कर देता हूँ। मैसेज जो मेरा डिफ़ॉल्ट ये रहेगा एंड ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और सिंपल सा यहाँ पे जो भी था लॉगिन करके मैं यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ, और एंड इस वाली क्लास के अंदर से भी मैं ये पीएचपी का कोड कट करता हूँ और सिंपल इस क्लास में पेस्ट कर देता हूँ, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी वो ग्रे टेक्स्ट रहेगी, इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड सिंपल सा मैं रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ या रॉन्ग ईमेल भी डाल दिया हूँ, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ईमेल नॉट रजिस्टर्ड। ओके एंड फिर से मैं करता हूँ सॉरी फिर से वही मेरा आ जा रहा है, तो मैं इस समय एक्सेप्शन को सक्सेसफुली हैंडल कर ले लाइक रिक्वायर्ड पैरामीटर पासवर्ड इज मिसिंग, क्योंकि पासवर्ड हम लोगों ने सेंड नहीं किए थे। सो सिंपली अब हम चलते हैं लाइक लॉगिन सक्सेस होने पे उस रिस्पांस को भी हैंडल करते हैं और यूज़र को सेकेंड पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डॉलर यूज़र करके, और उसके अंदर मैं डॉलर लॉगिन रिस्पांस का यूज़र कॉल करूँगा जिसके अंदर से मुझे एरे मिल जाएगा, यूज़र की इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। सो लॉगिन रिस्पांस में जो भी डेटा हमें मिल रहा है मैं इसको एक काम करता हूँ सेशन पे सेट करता हूँ, तो सेशन की फंक्शनलिटी यूज़ करने के लिए आपको सेशन स्टार्ट लिखना कंपलसरी है, पीएचपी का टैग यूज़ करता हूँ यहाँ पे एंड इसको क्लोज करता हूँ एंड सेशन स्टार्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे लाइक सेशन में मैं सेट करूँगा डॉलर सेशन एंड इसका जो नाम मैं दूंगा वो आईडी एंड आईडी में क्या रहेगी यूज़र की आईडी रहेगी, एंड सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और लाइक जितना भी सेशन पे डेटा सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नेम सेट करता हूँ एंड ईमेल भी सेट कर देता हूँ, एंड सिंपल सा मैं यूज़र की इमेज भी सेट कर देता हूँ एंड उसका यूज़र नेम क्या था यूज़र नेम भी सेट कर देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं टोकन को भी फेच करते हैं जो भी रिस्पॉन्स हमको टोकन मिला है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लाइक टोकन नाम से, और इसमें डॉलर यूज़र का टोकन की पास कर दूंगा तो मुझे टोकन पे मिल जाएगा। सो सिंपली अभी हम चलते हैं कुकीज़ को भी सेट करते हैं, और कुकीज़ में हम लोग सेट करेंगे टोकन को, तो कुकीज़ को सेट करने के लिए आपको सेट कुकी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कुकीज़ में जो की का नाम रहेगा उसको पहले देना पड़ेगा, लाइक मैं यहाँ पे टोकन लिखता हूँ और उसके बाद जो भी कुकीज़ की वैल्यू होगी आप इसको पास कर दीजिए, लाइक मैं टोकन को ही पास कर देता हूँ तो मेरी कुकीज़ भी सेट हो जाएगी। उसके बाद मैं काम करूँगा कि हीडर मीन्स मैं उसको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दूंगा यूज़र को लॉगिन सक्सेस होने के बाद, तो सिंपल मैं यहाँ पे लोकेशन यूज़ करता हूँ और डैशबोर्ड या सिंपल सा होम डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट करूँगा, और जो कि होम डॉट पीएचपी अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो सिंपली अभी हम लोग होम डॉट पीएचपी को भी बिल्ड करते हैं, तो होम डॉट पीएचपी को क्रिएट करने के लिए मैं न्यू फाइल पर क्रिएट करता हूँ, और सिंपल सा मैं यहाँ पे होम डॉट पीएचपी लिख देता हूँ एंड होम डॉट पीएचपी के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कर देता हूँ, और ये मेरा होम डॉट पीएचपी पे हो जाएगा। तो सिंपली अभी हम चलते हैं लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे ईमेल पास करता हूँ एंड कोई रॉन्ग पासवर्ड पास करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड, अगर मैं राइट क्रेडेंशियल पास करता हूँ लाइक सोशल कोडियम पासवर्ड लिखता हूँ एंड लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा होम डॉट पीएचपी पे विजिट हो चुका है। सो सिंपली अभी हम चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी पेज पे, और यहाँ पे जो हीडर आउटर की फाइल थी इस पे हम लोग कुछ पीएचपी का कोड लिखते हैं, और यहाँ पे अगर सेशन की फंक्शनलिटी हमको यूज़ करनी है तो सेशन स्टार्ट लिखना कंपलसरी होता है, तो सेशन स्टार्ट में लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर सेशन पे इफ़ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन आईडी, अगर आईडी नाम से कोई भी वेरिएबल सेट है हमारे सेशन पे देन काम करो उसको डैशबोर्ड डॉट पीएचपी या होम डॉट पीएचपी जो हम लोगों ने क्रिएट किया था उस पे भेज दो, एंड यहाँ पे लोकेशन लिखता हूँ होम डॉट पीएचपी
मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारे सेशन पे आईडी नाम करके कोई भी की या वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा तो सिंपली हमको रिडायरेक्ट कर देगा होम डॉट पी एच पी पे। और इस फाइल को हम लोगों ने रजिस्टर एंड लॉग इन पेज दोनों में भी अटैच किया है, मीन्स इंक्लूड किया है। सो अभी हम सिंपली चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज में और इस सेशन स्टार्ट को मैं कट कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने हेडर फाइल में ऑलरेडी लिख दिया है और हेडर डॉट आउटर फाइल को हम लोगों ने ऑलरेडी अटैच भी किया है। तो सिंपली अभी मैं चलता हूँ रजिस्टर्ड पेज पे। सो हमको ये होम पेज पे भेज दिया है। लाइक अगर मैं लॉगिन पेज को एक्सेस करूँ तो मुझे लॉगिन पेज एक्सेस करने नहीं देगा। ओके, लॉगिन पेज नाम से कोई भी पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडेक्स पेज लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स पेज एक्सेस करने नहीं दिया क्योंकि सेशन पे मेरी आईडी सेट है। और मैं आपको दिखा दूँ कि लाइक जो हम लोगों ने यहाँ पे सेट कुकीज़ नाम का फंक्शन यूज़ किया था, तो चेक करते हैं हमारी कुकीज़ सेट हुई कि नहीं। तो सिंपल से मैं एप्लीकेशन में चलता हूँ एंड एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुकीज़ को एक्सपेंड करना है एंड सिंपल से अपनी वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा एक कुकीज़ सेट हो चुकी है, लाइक टोकन नाम करके की है एंड देन उसकी जो भी वैल्यू हमारा जो टोकन है वो टोकन यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो सिंपली अभी हम चलते हैं इसको लॉग आउट करने। तो लॉग आउट करने के लिए अभी हम लॉग आउट का कोई कोड नहीं लिखे, तो सिंपल से मैं एप्लीकेशन में चलता हूँ एंड स्टोरेज पे चलता हूँ, क्लियर साइड करता हूँ, तो ये मेरा लॉग आउट हो जाएगा। सो अभी हम चलते हैं रजिस्टर पेज पे एंड रजिस्टर पेज पे जो फॉर्म है अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक होता है तो हम लोग रजिस्टर की एपीआई को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का, मीन्स एजैक्स का यूज़ करके हम एपीआई को कॉल करेंगे। लाइक बटन पे क्लिक होगा तो हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा एंड फटाक से एपीआई कॉल हो जाएगी और जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा हम सिंपली रिस्पॉन्स को डिस्प्ले कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने रजिस्टर डॉट पी एच पी फाइल पे एंड हेडर आउटर और यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करेंगे जिसपे हम लोग अपने फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो सिंपली मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखता हूँ सोशल कोरियर डॉट जे एस और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी नाम से मैं जे एस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ सोशल कोरियर डॉट जे एस। सो सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और फंक्शन का नाम मैं ले लेता हूँ लाइक डू रजिस्टर एंड ये डू रजिस्टर फंक्शन जब भी कॉल होगा तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और इस वेरिएबल का नाम लाइक मैं ईमेल लिखता हूँ, स्टार्टिंग से लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एंड नेम। ओके सेम मैं कॉपी करता हूँ एंड ईमेल के लिए भी ईमेल एंड पासवर्ड के लिए पासवर्ड। सो अभी हम चलते हैं कुछ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ नेम डॉट वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू नल, अगर नेम के अंदर कोई वैल्यू नहीं रही तो सिंपल सा मुझे एरर को प्रिंट करना है। तो एरर को प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल सा ये वाली लाइन पे जाता हूँ इस एलिमेंट पे और इसको मैं एक आईडी देता हूँ लाइक रजिस्टर एंड मैसेज लिख देता हूँ। सो अभी चलते हैं जेएस से इस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, मीन्स आई डी से मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। सो सिंपली अगर मेरा एरर मीन्स नेम की जो वैल्यू है वो लिपटी रहेगी तो सिंपल सा मैं रजिस्टर मैसेज डॉट इनर एस टी एम एल का यूज़ करके इसे मैसेज लिख दूंगा कि इंटर नेम एडर एंड सेम ईमेल के लिए भी होगा इफ ईमेल डॉट वैल्यू एम्प्टी इंटर ईमेल एंड सेम पासवर्ड के लिए भी होगा पासवर्ड डॉट वैल्यू अगर नल रहेगी तो इंटर पासवर्ड। और इसके बावजूद भी आप कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं लाइक कि इफ नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, अगर नेम की जो लेंथ है वो चार से छोटी है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ कि नेम टू शॉर्ट। ओके एंड एंड ईमेल की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इनवैलिड ईमेल एड्रेस, जो लेंथ है पासवर्ड की वो 4 से छोटी या 8 से छोटी है तो यहाँ पे मैसेज रहेगा पासवर्ड टू शॉर्ट। तो सिंपली अब मैं चलता हूँ इस फॉर्म को टेस्ट करता हूँ। तो रजिस्टर पेज पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जो मैं फॉर्म यूज़ कर रहा था तो फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फंक्शन सिंपली कॉल कर रहा हूँ। फॉर्म को मैं हटा देता हूँ और रजिस्टर बटन मीन्स इनपुट टाइप सबमिट और इस पर क्लिक होने पे लाइक मैं ऑन क्लिक लिखता हूँ ऑन क्लिक एंड डू रजिस्टर मेथड कॉल करता हूँ। ओके तो अभी हम चलते हैं अपने फॉर्म पे और इस पेज को रिफ्रेश करते रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेज आ रहा है कि इंटर नेम कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंटर ईमेल एंड इंटर पासवर्ड। सो पासवर्ड टू शॉर्ट का मैसेज आ रहा है और जो मैसेज का कलर है उसको भी हम चेंज कर दें। तो कलर को चेंज करने के लिए इंडेक्स डॉट पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर मैसेज की जो क्लास लिस्ट है डॉट क्लास लिस्ट इसके अंदर मैं एक ऐड करता हूँ और उसका नाम मैं देता हूँ रेड टेक्स्ट और सिंपली सेव करता हूँ। पेज को रिफ्रेश करता हूँ अभी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंटर नेम। सो हमारा कलर चेंज नहीं हुआ है और मे बी कोई इशू हो सकता है अब स्पेक पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे एक्चुअल में दो कलर आ गए, लाइक ग्रे टेक्स्ट है एंड रेड टेक्स्ट है। तो सिंपली मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ ग्रे टेक्स्ट को एंड देन रेड टेक्स्ट ऐड होगा। तो अभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेड टेक्स्ट आ जा रहा है। तो सिंपली अभी चलते हैं हम लोग एजेक्स का यूज़ करके कॉल करते हैं हमारी API को, और API का जो URL है उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, लाइक यहाँ पे लेट API URL इज इक्वल टू। सो यहाँ पे मैं अपनी API का URL लिखता हूँ, लाइक मेरी API का URL है http://socialcodia.net/api/public/nothing। ओके, एंड इसके बाद मैं API को कॉल करूँगा। API को कॉल करने के लिए हम Ajax का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो Ajax कॉल करने के लिए आपको सिंपल सा $Ajax लिखना है और उसके अंदर सारा डेटा पास करना है कि लाइक हमारे URL क्या है। तो URL हमारा है लाइक API URL एंड प्लस जो भी इन पॉइंट था, इन पॉइंट हमारा रजिस्टर के लिए रजिस्टर है, तो मैं रजिस्टर यहाँ पे लिखता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। और यहाँ पे आपको टाइप डिफाइन करना है कि किस मेथड से आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, लाइक पोस्ट मेथड या गेट मेथड। तो यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरी API भी पोस्ट मेथड एक्सेप्ट करती है। और डेटा मीन्स आप क्या डेटा पास करना चाहते हैं, तो डेटा के लिए मैं यहाँ पे नेम पास करूँगा, नेम, एंड नेम के अंदर क्या होगा, नेम डॉट वैल्यू मीन्स नेम एलिमेंट के अंदर या नेम इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको पास करूँगा। और यहाँ पे सिंपली ईमेल भी पास करूँगा, तो ईमेल के लिए मैं ईमेल का डॉट वैल्यू जो भी वैल्यू है उसको पास करूँगा। एंड यहाँ पे मुझे पासवर्ड को पास करना है, तो पासवर्ड को मैं स्मॉल कर देता हूँ, पासवर्ड डॉट वैल्यू। ओके, अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली रन करता है, अगर मेरी API सक्सेसफुली कॉल होती है, तो यहाँ पे मैं सक्सेस फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, और जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा मैं रेस नाम करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। और सिंपल सा मैं रजिस्टर डॉट इनर HTML, ओके, इस पर मैं सेट कर दूंगा। क्या सेट करूँगा, रिस्पॉन्स का जो भी मैसेज रहेगा। ओके, सो यहाँ पे PHP में यूज़ नहीं करूँ, रिस्पॉन्स मैसेज आपको लिखना है। ओके, सो सिंपली अभी चलते हैं हम API को कॉल करते हैं, लेकिन मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और सिंपल सा मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लाइक सोशल, या मैं लिखता हूँ अंकित, एंड अंकित @gmail.com एंड पासवर्ड के लिए मैं 1234567 लिखता हूँ एंड रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो सर्वर कॉल मे भी गई है, कंफर्म नहीं है, मैं नेटवर्क पे चेक करता हूँ। socialcodia.js के अंदर 49 पे एक्सेप्शन है, 49 पे क्या एक्सेप्शन है, या मे बी यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ नहीं किए थे, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर 49 पे, पासवर्ड PASSWARD ईमेल, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलन भूल गए थे, तो सेमी कॉलन लगाते हैं। और सिंपल सा मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकित शर्मा एंड अंकित शर्मा @gmail.com और सिंपल सा 1234567 89 एंड रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे रजिस्टर एन अकाउंट टू क्रिएट, तो यहाँ पे मुझे मैसेज भी मिल गया कि अकाउंट क्रिएटेड बट फेल टू सेंड अ वेरीफिकेशन ईमेल। मुझे API से रिस्पॉन्स मिला है कि अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है बट वेरीफिकेशन ईमेल फेल टू सेंड, मीन्स हम लोग जो API बिल्ड किए थे, और लाइक मैं API भी दिखा देता हूँ, API की प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं जब हम लोग ने API बिल्ड किए थे। और कॉन्सेंट फाइल के अंदर हम लोगों ने पासवर्ड जो कि अभी डमी पासवर्ड यूज़ किया है, अपना ओरिजिनल पासवर्ड यूज़ नहीं करे, तो इसलिए फेल टू सेंड एन ईमेल एड्रेस दिखा रहा है। तो सिंपली अभी मैं काम करता हूँ, लाइक जब भी रजिस्टर बटन पर क्लिक हो रहा है तो मैं रजिस्टर बटन को डिसेबल कर देता हूँ। ओके, तो पता चलेगा कि भाई समथिंग प्रोसेसिंग में है। सो सिंपल सा रजिस्टर पेज पे चलता हूँ और यहाँ पे इसकी जो ID है वो रजिस्टर है। सो इस ID से मैं इस एलिमेंट को गेट करता हूँ एंड रजिस्टर, और जब भी बटन पे क्लिक होगा Ajax कॉल, सो यहाँ पे रजिस्टर डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड डिसेबल एंड सिंपल सा जब भी सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो अभी हम चलते हैं फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ और नेम देते हैं, लाइक मैं अपना नेम देता हूँ उमर फारूकी एंड info@umerfaruqi@gmail.com पासवर्ड 1234567890 एंड रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरी बटन डिसेबल हो गई, अब रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है एंड जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैसेज प्रिंट हो रहा है और मेरा जो डिसेबल बटन था वो भी इनेबल हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, और ये तो मेरा API का पोर्शन है बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ EMP CRM पे, सॉरी ये तो मेरा डेटा नहीं है, और सोशल मीडिया समथिंग हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट किया था सोशल मीडिया, और यहाँ पे यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लाइक अभी हम लोगों ने दो अकाउंट क्रिएट किए थे, उमर फारूकी एंड अंकित शर्मा से, और इसका पासवर्ड, इसका बायो, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है और मीन्स अनवेरीफाइड है। ओके,
तो ईमेल हमारा सेंड नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो हम लोगों ने डमी पासवर्ड यूज़ किए थे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने लॉग इन एंड रजिस्टर की यूआई को डिजाइन किया एंड देन लॉग इन एंड रजिस्टर की एपीआई को भी कॉल किया। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सोशल कोडिया। गुड बाय।